दोस्तों फरवरी के अंदर बहुत से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो लॉन्च हुए हैं या फिर लॉन्च होने भी वाले हैं। आप बात कर लीजिए सैमसंग की, वीवो की, ओप्पो की या फिर एलजी की भी अगर हम बात करें, नोकिया की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल कंपनीज हैं जो अपने बहुत सारे स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लेके आने वाली है। और अगर मैं बात करता हूँ अपने इंडिया की, तो बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न क्रिएट भी हो सकता है या फिर जो लोग जानना चाहते हैं कि फरवरी के अंदर कौन से नए स्मार्टफोन उन्हें देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि फरवरी के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन हमने को देखने को मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड गुरु जी। तो जो फरवरी मंथ के अंदर जो Xiaomi है वो अपना फोन इंट्रोड्यूस करवा रहा है Redmi Note 7 और या फिर Redmi Note 7 Pro, दोनों ही आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। Redmi Note 7 की हमने बात की थी जहाँ पर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और बहुत से उसकी स्पेसिफिकेशंस, जिसकी लिंक आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप यहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपके साथ बात की थी Redmi Note 7 की। इसके बाद जो अगला अपडेट आता है वो आता है Redmi की तरफ से, Redmi Go के नाम से। यहाँ पर आपको एक बजट के अंदर मिलने वाला है Redmi Go और Redmi जो है Xiaomi जो है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से अपने तीनों फोनों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला है फरवरी के मंथ में। इसके बाद जो अपडेट निकल के आता है वो ये आता है कि सैमसंग जो अपने इवेंट के अंदर सैमसंग 10, S10, S10e और S10 प्लस को यहां पे लॉन्च करने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो सैमसंग है वो अपने तीनों फोनों को मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है इवेंट के अंदर। और अगली जो एक अपडेट निकल के आती है वो ये आता है कि सैमसंग हो सकता है इस बार भैया अपने इवेंट के अंदर सैमसंग फोल्डिंग फोन को भी यहां पे लॉन्च कर दे। काफी दिनों से ये लीक हमें देखने को मिल रही थी कि जो सैमसंग है वो सैमसंग जो फोल्डिंग फोन है वो बहुत जल्दी मार्केट में लेके आने वाला है। तो उम्मीद है कि इवेंट के अंदर सैमसंग जो सैमसंग का जो फोल्डिंग फोन है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिल पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पर निकल कर आता है वो आता है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला जो है वो यहाँ पे अपने चार फोन को इंट्रोड्यूस करेगा, G7, G7 Play, G7 Pro और G7 Plus। तो ये चारों ही फोन जो है वो बहुत ही शानदार होने वाले हैं अपने इवेंट के अंदर। जो मोटोरोला है वो इनको लॉन्च करेगा और ये चारों ही फोन एक बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा मोटोरोला के ऊपर भी जहां पर आप इन चारों फोन की स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर को देख पाएंगे। अगली जो अपडेट निकल कर आती है वो आती है नोकिया की तरफ से। नोकिया 9 जो है वो अपने एक बहुत ही शानदार 5 कैमरा का जो फोन वो लॉन्च करने वाला है। और जो नोकिया है उसने बहुत अच्छी पहल की है 5 कैमरे की, और ब्रांडेड के अंदर अगर हम बात करें तो जो 5 कैमरा का जो नोकिया का 9 का फोन है वो बहुत ही शानदार अपडेट आपको फरवरी के मंथ के अंदर देने वाला है। अगली अगर हम बात करते हैं तो नोकिया की तरफ से निकल के आती है हमें यहां पे नोकिया 1 प्लस, जो कि होने वाला भैया एक बजट फोन। और नोकिया जो है वो अपने दोनों ही फोन को फरवरी के अंदर मार्केट के अंदर इसको लॉन्च कर देगा। अगली जो अपडेट निकल के आती है वो आती है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो जो है वो मार्केट में उसने लॉन्च कर दिया है, हालांकि ओप्पो K1 नाम से फोन, जिसकी लिंक आपको यहां दिखाई दे रही होगी, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी ओप्पो K1 को लेकर। आप यहां जाकर इसकी स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर को देख सकते हैं। अगला जो अपडेट निकल गया था वो आता है वीवो की तरफ से। वीवो जो है वो लॉन्च करने वाला है अपना वीवो V15 या 15 प्रो नाम से अपना एक फोन लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर जो कंसेप्ट है वो निकल गया था 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे का। तो भैया चाहे मोटोरोला हो, चाहे नोकिया हो, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, कुल मिला के जो बात है वो ये है कि सबकी सारी की सारी कंपनियां जो है वो जो कॉम्पिटिशन लगा के रखती है वो लगती है कैमरे के अंदर। तो ना ओप्पो पीछे है ना कुछ और इसी चीज को लेकर कैमरा को ध्यान में रखे सोनी एक्सपीरिया XZ की जो सीरीज आती है वो आती है 52 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में। दोस्तों ये थे फरवरी मंथ के अंदर लॉन्च होने वाले कुछ स्मार्टफोन्स। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी लीकेज मेरे पास आई है या फिर जो Redmi 7 है, Vivo है, Oppo है, उनके बारे में मैंने आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। इसके बाद जो अब सैमसंग की अगर हम बात करते हैं तो सैमसंग हो गया या फिर हम बात करें ओप्पो की, वीवो की, तो ये तो जो एक्चुअल जब इवेंट होगा तभी इसके सामने आ पाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो जितने भी आज की डेट में जितने भी ब्रांड्स है स्मार्टफोन है वो सबके सब अपना एक जो कंपटीशन लगा के बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा के पीछे लगा के बैठे हैं। आपको इन फोन में से कौन सा फोन पसंद आया या फिर कौन सा फोन आप लेने की सोच रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप रेड बटन को दबा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी की वीडियो लेकर आता रहता हूं।